Ready. Bring it on. Bring it on. हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आप तो जानते ही होंगे बॉलीवुड के लिए 2022 कुछ खास नहीं रहा। बड़ी बड़ी फिल्में आई और बुरी तरह पिट गई। लेकिन आ चुका है 2023 और बॉलीवुड का कमबैक भी हो गया पठान के साथ, जो कि बॉक्स ऑफिस में तबाही मचा रहा है। तो अभी देखते हैं बॉलीवुड के अपकमिंग 10 बड़ी एक्शन फिल्में जो कि 2023 में आने वाली है। इनमें से कौन सी मूवी के लिए आप वेट कर रहे हो, कमेंट करके जरूर बताना। Let the beat drop. तो दोस्तों, नंबर 10 में है बड़े मियां छोटे मियां, एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है। जिस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अली अब्बास, जो कि टाइगर जिंदा है और सुल्तान जैसी बड़ी बड़ी फिल्में बना चुका है। तो इस फिल्म के लीड रोल में आपको देखने मिलेगा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, पृथ्वीराज सुकुमार, साथ में आलिया फर्नीचर वाला। इस मूवी में आपको पृथ्वीराज सुकुमार विलेन के रोल में देखने मिलेगा, जिसके कारण ये मूवी और भी मजेदार होने वाला है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, इस मूवी का बजट है 250 करोड़ और ये मूवी रिलीज होने वाला है 25 दिसंबर 2023 को। Tiger always ready. तो दोस्तों, हमारे नंबर 9 पे है टाइगर 3, एक एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म होने वाली है। इसको डायरेक्ट कर रहे हैं मनीष शर्मा, जो कि इससे पहले फैन जैसी जबरदस्त मूवी बना चुका है। इस मूवी के लीड रोल में आपको नजर आने वाले हैं सलमान खान, कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी। साथ में कैमियो में आपको देखने मिलेगा हमारे पठान यानी शाहरुख खान, जहाँ पे सलमान खान का फेस ऑफ होगा इमरान हाशमी के साथ। वहीं पर कैटरीना कैफ भी जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आएंगी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, ये मूवी बन रही है 250 करोड़ की बजट पे, जिसे रिलीज किया जाएगा इस दिवाली 2023 को। सर, ये आईबी क्या होता है? इंटेलिजेंस ब्यूरो, हिंदुस्तान की सबसे आला सर्विस। तो दोस्तों, नंबर 8 पे है मच अवेटेड फिल्म ID 71, एक स्पाई एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है। इस मूवी को डायरेक्शन दे रहा है संकल्प रेड्डी। इस मूवी के लीड रोल में आपको देखने मिलेगा विद्युत जामवाल, निहारिका और अनुपम खेर। और इस मूवी का जो एक्शन सीन है वो सभी विद्युत जमाल खुद के तरीके से किया है, तो भाई देखने में मजा तो आएगा। दोस्तों, ये मूवी रिलीज होने वाली है 2023 के मिडिल में। अपन का दो बाप है, गॉड और जनता। दोस्तों, नंबर 7 पे है गणपत पार्ट 1, एक स्पोर्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। इस फिल्म को डायरेक्शन देंगे विकास बेर, जो कि सुपर 30 जैसी बेहतरीन फिल्में बना चुके। दोस्तों, इस फिल्म के लीड रोल में आपको देखने मिलेगा टाइगर श्रॉफ और कीर्ति सनोन। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ एज ए बॉक्सर आपको देखने मिलेगा। इस मूवी का जो फर्स्ट पार्ट है 2023 के मिडिल में आने वाला है। तो दोस्तों, हमारे नंबर 6 में है मच अवेटेड फिल्म गड्डा 2, एक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है। इस फिल्म को डायरेक्शन देंगे अनिल शर्मा, जो कि गद्दार 1 भी बना चुकी है। इस मूवी के लीड रोल में आपको सनी देओल, अमीश पटेल और उत्कर्ष शर्मा देखने मिलेगा। इस फिल्म का वेट सभी को था, जो कि रिलीज होने वाली है 11 अगस्त 2023 को। तो दोस्तों, नंबर 5 में है एनिमल, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। इस फिल्म को डायरेक्शन देंगे संदीप रेड्डी, जो कि कबीर सिंह और अर्जुन रेड्डी जैसी बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी हमें दे चुके हैं। इस फिल्म के लीड रोल में आपको दिखाई देने वाले हैं रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर और बॉबी देओल, जहाँ पे अनिल कपूर रणबीर कपूर के फादर का रोल निभाएंगे और वहीं पे बॉबी देओल एज ए विलेन दिखाई देने वाला है। इस मूवी से आपको पता चलेगा असली वायलेंस क्या है, ए वाई डायरेक्टर का कहना है। ये मूवी रिलीज होने वाली है 11 अगस्त 2023 में। एक पैन इंडिया फिल्म होगी, जिसे हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु में भी रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों, हमारे नंबर 4 में है योद्धा, एक एक्शन स्पाई थ्रिलर मूवी होने वाली है। इस फिल्म को डायरेक्शन देंगे पुष्कर ओझा और सागर आम्बे। इस फिल्म के लीड रोल में आपको देखने मिलेगा सिद्धार्थ मल्होत्रा और दिशा पाटनी। ये मूवी तो 2022 को आने वाली थी, पर अभी ये रिलीज होने वाला है 7 जुलाई 2023 को। Ready. तो दोस्तों, नंबर 3 में है मच अवेटेड फिल्म जवान, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। इस मूवी को डायरेक्शन देंगे अतली कुमार, जो कि बिग हिल, मार्शल जैसी बड़ी बड़ी मूवी कर चुका है। इस मूवी के लीड रोल में आपको देखने मिलेगा शाहरुख खान, नयनतारा, विजय सेतुपति और इसी के साथ इस मूवी में एक कैमियो देखने मिलेगा थलापति विजय। दोस्तों, ये मूवी रिलीज होने वाली है 2 जून 2023 को। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे नंबर 2 में जो मूवी है भोला, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्शन दिया है धर्मेंद्र शर्मा और अजय देवगन ने। इस मूवी के लीड रोल में आपको देखने मिलेगा अजय देवगन, तब्बू, अभिषेक बच्चन। इस फिल्म की जो कहानी है दोस्तों, वो रीमेक है कार्थी के फिल्म कैथी का। पर दोस्तों, ये मूवी फ्रेम टू फ्रेम रीमेक नहीं होगा, बहुत सारे चेंजेस किया गया है, वो हमने ट्रेलर में देख लिया है। दोस्तों, ये मूवी रिलीज होने वाली है 30 मार्च। डंकी, डंकी राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान की पहली मूवी होने वाली है, जिसके लिए सभी बहुत एक्साइटेड है। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ साथ तप्सी पन्नू भी दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों, बता दूं कि ये मूवी एकदम नया कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगी। ये मूवी एक कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली है,
इस फिल्म को डायरेक्शन देंगे राजकुमार हिरानी, जो कि इससे पहले पीके, मुन्ना भाई, थिएटर जैसी बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी बना चुकी है। और ये मूवी रिलीज होने वाली है 22 दिसंबर 2023 को।